सबको जय मसीह की, मेरी आत्मिक माँ को जय मसीह की। मेरा नाम किरणदीप है, ये गवाही मेरे बेटे नवदीप की है। मेरा बेटा घर से दप्पर में कुछ सामान लेने के लिए गया था। मेरे घर से दप्पर की दूरी 1.5 किलोमीटर है, वहाँ पे सामान लेके वापिस भी आ गया था, बट रास्ते में 500 मीटर की दूरी पे था। ये साइकिल पे सामान लेके आ रहा था और जो पीछे से गाड़ी आ रही थी वो ईंटों से भरी हुई टिप्पर थी, जो ईंटें लेके जाने वाली गाड़ी थी। उसकी गाड़ी में जो ड्राइवर था उसने ड्रिंक कर रखी थी, उसकी गाड़ी भी आउटसाइड आके उसने टक्कर मारी मेरे बेटे की साइकिल के पीछे। और जो अगले वाला टायर होता है वो टायर पुश करके पिछले वाला टायर इसकी बाजू के ऊपर से निकल गया। आप बोल रहे कि वो इतना बड़ा ट्रक था ईंटों से भरा हुआ था और वो ट्रक एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और वो आपके बेटे की बाजू पर, उसका पिछला जो टायर था वो उसकी बेटे की बाजू पर चढ़ गया। आप देख सकते हो कि जब उसकी बाजू पर वो टायर चढ़ा तो वो बाजू पूरी तरह से, उसकी हड्डी टूट गई थी और सारा मांस उसका जो था वो बाहर आ गया था। आप अपनी स्क्रीन पर फोटो को देख सकते हैं। और जिन लोगों ने देखा जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने यही बोला कि ये बच्चा बचा नहीं होगा, भयानक रीति से, इतने भयानक तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ। जी बताएं। जब वो गाड़ी का टायर ऊपर से निकल गया तो इसकी टायर निकलने की वजह से पूरी स्किन इसकी साथ में ही उतर गई उस टायर के चढ़ने की वजह से। जहाँ पे इसका एक्सीडेंट हुआ था वो दप्पर कॉलोनी में आसपास बहुत शॉपें थी, उन शॉपों वालों ने ही इसको उठाया और दूसरी साइड जो राइट साइड थी, और राइट साइड में डॉक्टर की शॉप थी, वहाँ पे लेके गए। और सभी लोगों ने वो गाड़ी वाले को ही रोका और उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, वो अपनी गाड़ी को लॉक करके बेटे को भी अनसुना करके छोड़ के जाना चाहता था। लोकल डॉक्टर था, उसके पास से इसने नंबर मिलाया और मुझे फ़ोन किया, मेरी मम्मी को फ़ोन कर दो भी मुझे चोट लगी है। जब मेरे पास घर में फ़ोन गया तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत चोट लगी होगी, अभी आ जाएगा दप्पर से। मैं घर से जब वहाँ पहुँची तो मैं बेहोश होगी भी, मेरे बच्चे को इतनी ज़्यादा चोट आई है। पर फिर भी मेरे बेटे के अंदर प्रभु की वो सामर्थ्य थी, वो प्रभु के वचन थे। मेरे बेटे ने कहा, मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होया है। उन्होंने कपड़ा लपेट के और अपनी गाड़ी में डेरा बसी छोड़ दिया। डॉक्टर ने बोला कि सभी डॉक्टर जा चुके हैं, सिर्फ इमरजेंसी में ही 2 डॉक्टर हैं जो कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत ही मरम पट्टी इंजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं। इसको 2 इंजेक्शन दिए कि ये बेहोशी की हालत में हो जाए, इसे पेन ना हो। उन्होंने मुझे बत्ती में रेफर कर दिया डेरा बसी से, 3200 हॉस्पिटल में। जब मैं अपने बेटे को 3200 में लेके गई तो रात के 9 बज चुके थे और कोई भी मेरे पास नहीं था। मैं और मेरा बेटा और एक मेरा कजन ब्रदर वो थे मेरे पास। मेरा हस्बैंड भी जीरकपन में बिजली का काम करता है, वो भी हमें रास्ते में मिला एम्बुलेंस में जब हम जा रहे थे। तो हम 3 लोग थे जो 3200 में पहुंचे और रात के 9 बज चुके थे। सभी डॉक्टर छुट्टी के लिए जा चुके थे, वहाँ पे भी 1-2 डॉक्टर था जो इमरजेंसी में पेशेंटों को देखने के लिए था। मैं बता नहीं सकती आपको कि उस समय मेरे ऊपर क्या गुजरी थी। मेरे बेटे ने जब हॉस्पिटल में था सबसे पहले एक ही बात बोली, मम्मी प्रे टावर पे आप फोन लगाओ कि प्रभु हमारे साथ, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तो 1-2 ही डॉक्टर थे जो वहाँ पे इमरजेंसी में रुके हुए थे, उन्होंने भी बोला कि बेटे को रख दिया, ये टेस्ट करवा दो, वो करवा दो, इसका सीटी स्कैन कराओ, इसके एक्सरे कराओ, सभी रिपोर्टें लेके आओ, फिर हम एडमिट करेंगे। उन्होंने सिर्फ एक ग्लूकोज की बोतल लगा के और इसे ट्रॉली पे ही छोड़ दिया, बेड पे भी नहीं लिटाया। उन्होंने बोला कि इतना खतरनाक एक्सीडेंट है कि हम इसे एडमिट भी नहीं कर सकते, हमें तो बस एक परमिशन की ज़रूरत है कि कोई डॉक्टर आए और इसे रेफर के सिग्नेचर करके भी ट्रॉमा में भेज दे, क्योंकि हमसे इसका ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ। मैं परेशान थी बहुत, अपने बेटे को लेके मैं रो रही थी। मैंने वहाँ पे देखा कि जो खाने पीने वाली शॉपें हैं वहाँ से हम कुछ भी सामान खरीद सकती हैं। मैं वहाँ से एक ऑयल की सीसी ली और प्रे टावर पे फ़ोन लगाया। मैंने प्रे टावर पे यही रिक्वेस्ट की कि मेरे बेटे का ऐसे करके एक्सीडेंट हो गया, प्लीज़ आप प्रेयर कर दीजिए कि कोई डॉक्टर आए, मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू करे। जब मैंने ये प्रेयर कराई 12:30 बजे के करीब, तो एक डॉक्टर आई मेरे बेटे को चेकअप करने के लिए। वो बोल के गई कि आप घबराओ नहीं, 4 बजे जो डॉक्टर आएगा पहले आप ही के पेशेंट को देखेगा। जब वो 4 बजे वो डॉक्टर आया कि
सचमुच प्रभु की प्रार्थना ने काम कराया। उस डॉक्टर ने मुझे बोला कि यहाँ पे ना तो कोई अच्छा सर्जर है जो आपके बेटे की सर्जरी कर दे और यहाँ इसमें रोड़े लगा दे, क्योंकि बहुत ही डेंजर इसका एक्सीडेंट होया है। तो मैं आपको रेफर का कागज लिख के दे रहा हूँ कि मैं आपको PGI ट्रोमा में भेज रहा हूँ। उसने लिख के फाइल और पूरे रिपोर्टों के साथ तैयार कर दी और मुझे PGI ट्रोमा में चंडीगढ़ रेफर कर दिया मेरे बेटे के साथ। PGI ट्रोमा में गई तो 3 घंटे के अंदर ही मेरे बेटे का सारा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। लोग इतनी चोट लगने के कारण बेहोश हो जाते हैं, बट मेरा बेटा 36 घंटे तक पूरे होश में रहा। जब मैं PGI ट्रोमा में लेकर गई, जब भी मेरा बेटा होश में था, प्रभु की दया से डॉक्टरों ने यही बोला कि अगर ये बच्चा भी होश होता तो ट्रीटमेंट ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता, बट ये बच्चा होश में है, ये सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, बोल रहा है। और उसके बाद जब उसको PGI ट्रोमा में लेकर गए, उसके बाद आप बताएं। उन्होंने सुबह के टाइम में इसका ऑपरेशन कर दिया। इसके बाजू में 5 अंदर की साइड रोड़े डाली गई, जो जोड़ में से हड्डियां जो बाहर आ चुकी थी उसे जोड़ने के लिए 5 छोटी रोड़े इसके अंदर लगाई गई और बाहर 1.5-2 kg के रोड़े बाहर लगाई गई इसकी बाजू के ऊपर। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर फोटोज। जब इसका ऑपरेशन होया गया, इसकी रोड़े डाली गई, तो ये 5 दिन होश में नहीं आया। का ऑपरेशन होया था 8 अप्रैल को, तो ये 5 दिन पूरे होश में नहीं आया। 13 अप्रैल हो चुकी थी, अगले दिन 14 अप्रैल को संडे था, तो 14 अप्रैल को मैं तो PGI में थी, मेरा पति भी PGI में था और मेरे रिलेशन वाले भी बहुत लोग PGI में थे। पर मैंने एक भाई के फ़ोन पे अपने बेटे की फ़ोटो को भेजा और जब मेरी बेटी और भाई के फ़ोन पे फ़ोटो लेके संडे चर्च में आई, तो मम्मा ने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करी। उस प्रार्थना के बाद मेरे बेटे की डिलीवरेंस शुरू होगी और 7 बजे के करीब मेरा बेटा होश में आ गया। 5 दिन की बेहोशी के बाद मेरे बेटे को ब्लड पाइप चढ़ी हुई थी वो भी उतर गई और यूरिन पाइप लगी हुई थी वो भी उतर गई। बैठ के खाना खाया इसने, जो 5-6 दिन से जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ था इसने खाना भी नहीं खाया था। प्रभु की सामर्थ्य ने इसकी ज़िंदगी में कम करे और मेरे बेटे में डिलीवरेंस शुरू होगी। मेरे बेटे का ये जो रोड वाला ऑपरेशन था ये 8 तारीख को हुआ था और डॉक्टर बोल रहे थे कि इतनी जल्दी इसमें इतनी डिलीवरेंस कैसे आ गई, ये कैसे इतनी जल्दी वो हो गया ये, क्योंकि वहाँ पे PGI में जो पेशेंट पड़े हैं कोई 2 साल से है, कोई 2 महीने से है, कोई 3 महीने से है। मेरे बेटे की चिंगाई को देखकर सभी लोग हैरान थे, खुद डॉक्टर भी हैरान थे। और आप बता रहे हो कि आपकी बेटी विश्वास के साथ यहाँ पर आई। हाँ, और इसकी फोटो पर मम्मा ने प्रार्थना की, उन्होंने प्रार्थना करवाई और उसके बाद से परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम करना शुरू किया। जी, उसके बाद बताएं आगे। उसके बाद जब डॉक्टर ने बोला कि इसका जो रोड वाला ऑपरेशन था भी ये सक्सेसफुल रहा, कि अब ये 15 दिन हो चुके हैं, 26 अप्रैल को इसकी स्किन प्लास्टिक सर्जरी हुई, जो इसकी स्किन ऊपर से चमड़ी उतर चुकी थी उन्होंने इसकी लेग में से स्किन निकाल के इसकी बाजू के ऊपर वो स्किन को डाला कि ये जख्म पूरी तरह से भर जाए, कि हड्डियों के ऊपर वो स्किन वाला कवर आ जाए। जी, आप देख सकते हैं कि जब इनका वो रोड वाला ऑपरेशन होने के बाद इनकी प्लास्टिक सर्जरी की गई और इनकी टांग में से मांस निकाल के इनकी बाजू पर लगाया गया और प्लास्टिक सर्जरी इनकी हुई। उस ऑपरेशन में भी इसको 2 दिन के लिए ICU रूम में रखा गया, बट सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। सभी डॉक्टर ने देखा कि बाकी लोगों की भी प्लास्टिक सर्जरी करी है, किसी की कोई इफेक्ट है, किसी की कोई। मैं दिन रात वहाँ जब इसके बेड के पास बैठी रहती थी तो सुबह और शाम को, सुबह शकाइना ग्लोरी और हंगर फॉर गॉड, शाम को मैं इसके पास लगा कर रखती थी मम्मा के प्रोफेटिक वर्ड, फायर प्रेयर, संडे की प्रेयर, जितने भी मम्मा वचन बांटते थे तो मैं सब अपने बेटे के पास चला के रखती थी। कई बार मेरे पास ऐसा टाइम हो जाता था कि हॉस्पिटल में मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, कई बार खाने के लिए टाइम भी नहीं होता था मेरे बेटे को, कभी इधर टेस्ट करने के लिए जाना है, कभी एक्सरे करवाने के लिए, कभी ऊपर ब्लड की रिपोर्ट लेने के लिए। तो मैं बहुत परेशान, जब भी मैं परेशान होती थी, जब भी कोई टेंशन होती थी, तो मैं हमेशा ही प्रभु पे भरोसा रखकर प्रोफेटिक प्रेयर टावर से फ़ोन करवाती थी। जिस दिन इसकी सर्जरी थी उस दिन मेरे पास बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, पर मैंने प्रेयर टावर से फिर से कॉल करवाई और पोस्टल जी वचन बांट रहे थे सुबह के टाइम में, वचन बांट रहे थे कि
सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। जब भी मैं अपने बेटे के पास जाती थी तो मैं उसकी बाजू को देखती थी, हाय मेरे बच्चे का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इसकी बाजू कैसी होगी। पर जब मैं प्रभु के वचन की ओर ध्यान देती थी कि हाँ मेरा बच्चा जिंदा है, मेरे साथ है, उस वर्ड की ओर ध्यान देती थी कि हाँ सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, कि उस एक्सीडेंट में मेरे बेटे की बाजू पे ही चोट लगी है बट मेरा बच्चा मेरे साथ जिंदा है। 26 तारीख को मेरे बेटे की ये सर्जरी हुई थी। 26 के बाद एक हफ्ते के बाद इसमें डिलीवरेंस शुरू होगी। उन्होंने बोला कि बच्चा पूरी रीति से स्वस्थ है, इसकी सभी रिपोर्टें नॉर्मल है। उन्होंने 5 मई को इसे रेफर कर दिया। उस दिन भी प्रभु का अद्भुत पवित्र दिन था, संडे का दिन था। मुझे पता नहीं था कि सचमुच वो मेरे बेटे को डिस्चार्ज कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसके साथ ही हॉस्पिटल में आए थे, पर कोई किसी को 4 महीने हो गए थे कि 3 महीने हो गए थे, बट मेरा बेटा 29 दिन के अंदर घर आ चुका था। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का जी। जिस दिन हम घर पहुंचे हैं, संडे का दिन था, हम उस दिन भी ऑनलाइन प्रार्थना ही सुन रहे थे। हम 5 बजे घर पहुंचे और पहुंचने के बाद मेरा बेटा यही कह रहा था, मम्मी मुझे चर्च में जाना है, मुझे चर्च में जाना है। मैंने कहा बेटे कोई नहीं, आज तो संडे का 5 बज चुके हैं, सारी प्रार्थना खत्म हो चुकी है, लेकिन हम थर्सडे को जरूर चलेंगे। जिस दिन हम थर्सडे था हम चर्च में आए, मैं अपने बेटे को एक गाड़ी में लेके आई। जब मेरा बेटा गाड़ी से नीचे उतरा, मेरा बेटा चल फिर नहीं सकता था, क्योंकि उसकी लात से जो स्किन निकली हुई थी वहाँ पे भी बहुत सारी बड़ी पट्टी बंधी हुई थी और उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन था। मेरा बेटा वीरवार के दिन हम जब लेकर आए तो व्हील चेयर से अंदर आया, और जब मैं अंदर आई तो 1.5 महीने के बाद प्रभु के घर में प्रवेश कराया। मैं रो रो के प्रभु के धन्यवाद करें कि प्रभु मेरा बच्चा मेरे साथ है, तेरा ही अनुग्रह है कि मेरा बच्चा मेरे साथ है। और मेरा बेटा भी व्हील चेयर पर हम अंदर लेके आए। जब अंदर लेकर आए तो प्रभु की आराधना स्तुति के गीत गाए जा रहे थे। मैंने भी उनको रिसीव किया, उनको वचनों को गाया और अपने बेटे के लिए। जब मैं आगे आई तो अपोस्टल जी ने मेरे बेटे के लिए तेल लगाकर बाजू पे प्रार्थना की, और सचमुच प्रभु की सामर्थ ने मेरे बेटे को छुआ और चंगा करया। जब बहन अपने बेटे को चर्च में लेकर आए और परमेश्वर के दास के द्वारा इनके बेटे के लिए ले हैंड प्रार्थना हुई जी, बताएं बहन जब आपके बेटे के लिए प्रार्थना हुई। जब मेरे बेटे के लिए प्रार्थना हुई, प्रभु की वचन ने, प्रभु की सामर्थ्य ने इसे छुआ। और जब ये 3 दिन के बाद दोबारा से संडे वाली प्रेयर में भी मैं अपने बेटे को पर संडे पर वीरवार लेके आती थी, तो जब मैं संडे को लेके आई तो मेरा बेटा गेट से खुद चलकर प्रभु के पवन में आया और प्रभु की बड़ी सामर्थ्य ने इसे चंगा कराया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आप देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर के दास के द्वारा जब इनके बेटे के लिए प्रार्थना की गई, पहले इनका बेटा व्हील चेयर पर आया था, लेकिन जब परमेश्वर के दास ने उनके लिए प्रार्थना करी तो वो व्हील चेयर उनकी पूरी तरह से छूट गई। और ये बता रहे हैं कि संडे की प्रार्थना सभा में इनका बेटा खुद अपने पैरों पर चलकर आया। हालेलुया। उसके बाद बहन बताएं, जब आपका बेटा पैरों पर खड़ा हो गया, वो चलने लगा, उसके बाद से आगे आप बताएं। उसके बाद एक हफ्ते के बाद हमें PGI ट्रोमा में अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर बुलाते थे, तो जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना करी मेरे बेटे के लिए, तो धीरे धीरे करके इसकी पूरी बाजू में फ़र्क पड़ने लग गया, इसके जख्म में फ़र्क पड़ने लग गया। जो एक दिन छोड़ के हम पट्टी करवा रहे थे, वो भी सभी डॉक्टर बोलने लगे कि स्किन जुड़ रही है, चंगी हो रही है, इसके जख्म चंगे हो रहे हैं। डॉक्टर ने बोला कि 1 महीने तक इसकी पट्टियाँ ऐसे ही चलेंगी, और 1 महीने के बाद हम फिर से इसकी रिपोर्ट करेंगे, इसके ब्लड टेस्ट करेंगे और इसके पूरी स्किन की CT स्कैन वगैरह करेंगे कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 23 जून को संडे का दिन था, तो मंडे को भी मेरे बेटे की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास। चर्च में आई और मैं घर से भी शकाइना ग्लोरी सुनकर आई थी, वचनों को सुन के आई थी कि अपने सब काम अपने यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। और प्रभु के वचन जो जैसे भी बांटे जा रहे थे, तो मेरे मन के ऊपर वो वचनों का प्रभाव था, उन वचनों को मैं रिसीव करती थी। जब आप शकाइना ग्लोरी में कनेक्ट होते थे और परमेश्वर के दास के द्वारा वचन दिए जाते थे और उन वचनों से आपके अंदर ही आव आता था और उन वचनों को पकड़कर आप चलते रहे, और आप बता रहे हो कि आप 23 जून को संडे की सर्विस में अपने बेटे को लेकर आए। हाँ जी जी। तो मम्मा ने अनाउंसमेंट किया कि एक मैं किरण सिस्टर है, मैं उसको देख रही हूँ, उसके मन के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है,
कि प्रभु उस बोझ को ले रहा है जी। एक किरण नाम की बहन को खुदावन छू रहा है, प्रभु कह रहा है तू फिकर ना कर, तेरी मदद का हाथ तेरी ओर आ रहा है। ये हड्डी कैसे जुड़ेगी, ये दर्द कैसे जाएगा, आपको सोचना नहीं है, आपको उसकी उपस्थिति में चलना है। हर टूटी हुई हड्डियां, हर हिले हुए बनके, हर वो जोड़ जो उखड़ चुके हैं, अभी इसी समय प्रभु का आत्मा चंगाई की सामर्थ आपको छुएगी, वो कुल्ले की हड्डी अपनी जगह पे आएगी। आपकी हड्डियां जुड़े राइट नाउ, आपकी हड्डियां सही स्थान पर आ जाएं यीशु मसीह के नाम से। जिस दिन मम्मा ने वो अनाउंसमेंट की थी, मैं सचमुच इस बोझ में थी कि कल को मेरे बेटे की, आप जैसे मम्मा ने घोषणा की सेम यही चीज आपके अंदर चल रही थी जी। मैं पहले ही बोझ में ही आई थी चर्च में कि प्रभु तू ही सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला खुदा है, कि मेरे बेटे की जो बाजू हुआ 2-2.5 kg की जो रोड़ा ऊपर लगी हुई हैं और उसके अंदर जो भी रोड़ा डाली हुई हैं, भी हर बार डॉक्टर कहते हैं कि अगले वीक आइयो, भी प्रभु तू ही मेरे बोझ को लेने वाला है। कल को मेरा बेटा जब डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर ये बोले कि ये सब सचमुच ये हड्डी जुड़ चुकी है, मम्मा ने आप बता रहे कि उन रोड्स के कारण बच्चे को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, बच्चा मेरा उठ बैठ नहीं सकता था, जहाँ पे 2-3 लोग लेट सकते हैं बट ये अकेला ही तकिए के बिना ये लेट नहीं सकता था, पूरी बाजू को हला नहीं सकता था, अगर हल्का सा भी टच हो जाता था, हल्का सा भी टच हो जाता था तो इसके पूरे ही बॉडी में बहुत पेन हो जाता, पूरी बाजू में ही पेन हो जाता, 2-2 दिन ये बेचैन रहता था कि फिर मेडिसिन देनी पड़ती थी कि पेन किलर भी ये बंद हो जाए दर्द। और आप बता रहे हो कि डॉक्टर आपको आगे से आगे अपॉइंटमेंट का टाइम दे रहे थे, जब भी मैं जाती थी तो 1 महीने से यही कह रहे थे कि अगले वीक देख लेंगे, इसकी अभी कोई हालत इसकी ठीक नहीं है, अगले वीक देख लेंगे। मैं इस बोझ को लेके जैसे ही चर्च में आई तो चर्च की प्रार्थना में भी मैं अपने भरे हुए मन से बोझ से ही बैठी थी, एक एक वर्ड जो वचन बोले जा रहा था सब मेरे बोझों को जैसे लग रहा था आज सारा वचन मेरे ही ऊपर है। पर जब मम्मा ने फायर प्रेयर के बाद मेरा नाम अनाउंस किया, मैंने कहा सचमुच प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनता है। मैं प्रभु के आगे प्रार्थना कर रही थी कि मेरी माँ को, आत्मिक माँ को, उन चीज़ों को मेरे प्रभु ने बताया कि सचमुच ये बहन बोझ में है, सचमुच इसके मन के ऊपर बोझ। सच में प्रभु हमारे बोझों को जानता है, और बहन कैसे बोझ के साथ चर्च में आए थे कि कैसे ये रोड निकलेगी, क्योंकि उनके बेटे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो बोझ इनके अंदर था, परमेश्वर ने अपनी दासी के ऊपर उस चीज़ को जाहिर किया, और जब मम्मा ने इनके लिए प्रोफेसी की घोषणा की कि ये किरण नाम की बहन है और इनका नाम लेकर परमेश्वर ने अपनी दासी के द्वारा इनसे बात की। पर्सनल तौर पर ना मैं पहले कभी मिली थी मम्मा से, ना उस दिन मिली, बट जो जो टेंशन परेशानी मेरे अंदर चल रही थी कि मेरे बेटे की टूटी हड्डियाँ कैसे जुड़ेंगी, ये सब कैसे नॉर्मल होगा, मम्मा ने एक एक वर्ड को, मेरे मन की हालत को, मेरे बोझ को मम्मा ने जब अनाउंस किया तो सचमुच मैं खुद हैरान रहेगी कि ये सब कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा प्रभु मेरी हालत को जानने वाला। प्रभु हमारे मनों को जांचता है, और परमेश्वर ने अपनी दासी से बात की, इनकी चीज़ों को अपनी दासी के ऊपर जाहिर किया। मैं जब यहाँ से घर गई तो अगले ही दिन मेरे बेटे की अपॉइंटमेंट थी, हम सिर्फ चेकअप के लिए गए थे, वैसे सिंपल अब सिंपल चेकअप के लिए गए, सिंपल चेकअप के लिए गए थे जैसे हर वीक बुलाते थे, लेकिन जिस दिन मैं डॉक्टर के पास पहुंची, बोला कि न्यू एक्सरे करा के ले आओ, जब मैं एक्सरे करा के लेके आई तो डॉक्टर की प्रतिक्रिया को देखकर मैं खुद हैरान होगी कि उसने कहा कि तेरे बेटे की बाजू जुड़ चुकी है, ये रोड़े सारी आज ही निकलने को जा रही है। हालेलुया। कि जब इनके लिए घोषणा हुई और परमेश्वर की दासी ने इनके बेटे के लिए प्रार्थना की और उन सामर्थी शब्दों को बेटे के लिए रिलीज किया गया और उन शब्दों ने इनके जीवन में काम किया, और 23 तारीख को ये आए थे चर्च में और इनके लिए प्रार्थना हुई। उसके बाद ये बता रहे हैं कि 24 तारीख को ये वैसे ही चेकअप के लिए गए थे, और जब इन्होंने एक्सरे कराए तो हम एक्सरे की फोटोज़ को भी देख सकते हैं, जब इन्होंने एक्सरे कराए तो ये बता रहे हैं कि डॉक्टर भी हैरान थे, और जब एक्सरे कराए तो इनके बेटे की सारी हड्डियाँ पूरी तरह से जुड़ चुकी थी। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि सारी हड्डियां पूरी तरह से जुड़ चुकी थी, और डॉक्टर भी हैरान हुए। डॉक्टर ने जब देखा कि सारी हड्डियां जुड़ चुकी हैं, मैं सोच रही थी कि ये जो बाहर रोड़े लगी हैं भी यही डॉक्टर निकालेंगे, उसने बोला नहीं, जो अंदर भी जोड़ के अंदर मैंने रोड़े डाली हुई हैं वो भी आज ही निकल जाएंगी सब।
हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। जैसा परमेश्वर की दासी ने बोला और परमेश्वर ने वैसे ही किया, और उसके बाद से बता रहे हैं कि पूरी तरह से सारी रोड़े उनके अंदर जो बाजू के थी वो भी पूरी तरह से निकल चुकी थी। जी, अभी आप बच्चे की बाजू को देख सकते हैं, उसके बाद से इनकी रोड़े पूरी तरह से निकल गई और अभी इनके बच्चे की बाजू बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। देख सकते हैं ये जो इनकी टांग के ऊपर से मांस निकाल कर इनकी बाजू पर लगाया गया था वो भी इनका पूरी तरह से ठीक हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इनकी बाजू भी पूरी तरह से ठीक है, सारी हड्डियां उसकी जुड़ चुकी है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप देख सकते हैं कितनी गंभीर स्थिति इसकी बाजू की थी और कैसे रोड़े डली हुई थी, पर बहन विश्वास के साथ खड़ी रही और जो परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर की दासी के द्वारा इनके जीवन के लिए बोला गया, इन्होंने विश्वास से उन शब्दों को पकड़ा और ग्रहण किया और इस चमत्कार को परमेश्वर ने इनके जीवन में किया। हालेलुया, अभी आप अपनी बाजू को हिलाकर दिखाएं, आप देख सकते हो बच्चा पूरी रीति से अपनी बाजू हिला सकता है। अभी आप देख सकते हैं कि बच्चा पूरी तरह से अपनी बाजू को मूव कर पा रहा है। आप परमेश्वर की दासी के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु सामर्थी है, बड़ी सामर्थ से काम करने वाला खुदा है, वो मौत के मुंह से भी लोगों को जिंदा निकाल सकते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी आत्मिक माँ का, अपने आत्मिक परिवार का, जिन्होंने मेरे बेटे के लिए दिन रात प्रार्थना की और मेरे बेटे को चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने पिता परमेश्वर खुदावन का कि वो मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य रखने वाला खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने बहन के इस बच्चे के जीवन में नए जीवन को डाला, मुर्दा से जीवन में। कैसे पूरी तरह से उम्मीदें खो चुके थे लेकिन परमेश्वर ने वो अद्भुत काम किया। अभी आप चल कर दिखाएं, बच्चे से चल फिर सकते हैं, अभी ये बच्चा बिल्कुल ठीक है आपके सामने। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, सज्जन तारीफ करें, तारीफ करें परमेश्वर। हालेलुया,